हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ हेवी डैम्पिंग के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लिया था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन था फ्री डैम्प्ड ऑसिलेटर का, उसके सॉल्यूशन के अगर नेचर को अगर देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन का नेचर कैसा कैसा हो सकता है, देन वहाँ पर हम लोगों ने तीन केसेस कंक्लूड किए थे, हेवी, क्रिटिकल एंड वीक। तो हम लोग अब तीन वीडियोज़ में उसको अलग अलग करके देख लेंगे। इन दिस फर्स्ट वीडियो वी विल स्टडी ओनली अबाउट हेवी डैम्पिंग। ठीक है, ये हेवी डैम्पिंग का जो, क्योंकि देखिए फाइनली तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन आया है वो तो हमेशा उसी फॉर्म में ही रहेगा, दैट इज एक्स एट टाइम टी, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये तो हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा कि ए वन ई टू द पावर अल्फा वन टी प्लस ए टू ई टू द पावर अल्फा टू टी। ठीक है, लेट मी राइट दिस साइड क्योंकि मैं इधर कैलकुलेशन करूंगा। तो दिस वॉज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो सोल्यूशन आया था वो कुछ इस टाइप का आया था कि ए वन ई टू द पावर अल्फा वन टी प्लस ए टू ई टू द पावर अल्फा टू टी। बस बात यही आएगी कि अभी इसका कुछ नया फॉर्म आ जाएगा देखने को, क्योंकि ये अल्फा वन अल्फा टू ये थोड़ा बदलेगा। ठीक है, बदलेगा मतलब उसका अंदर का वैल्यू चेंज कर रहा है। बट वी हैव कि जो अल्फा वन या अल्फा टू में एक टर्म था बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर जो अंडर रूट फोर ए सी था दिस हाफ, ये हेवी डैम्पिंग केस में इट इज़ ग्रेटर दैन जीरो। इससे हम लोग को मालूम चलेगा कि ये चीज़ ग्रेटर दैन ये है, इसका मतलब बी ग्रेटर दैन ओमेगा नॉट। इट मीन्स जो टर्म डैम्पिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है दिस टर्म इज ग्रेटर दैन द टर्म विच रिप्रेजेंट्स द रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डैम्पिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज़ बड़ा है इससे, अगर ऐसा होता है तो दिस इज हेवी डैम्पिंग। हेवी डैम्पिंग कहने का मतलब कि डैम्पिंग बहुत ज़्यादा है, और डैम्पिंग बहुत ज़्यादा करने का मतलब लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। इसे आप लोग बोलोगे सही तो कहीं से अच्छा नहीं है, ठीक है आपका बोलना भी गलत नहीं, कहीं से अच्छा नहीं है, लॉस ऑफ एनर्जी है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हमारे फायदा देता है। फॉर एग्जाम्पल दो ट्रेन अगर कनेक्टेड है, मानते हैं ये जो दो ट्रेन्स के बॉगीज हैं ये कनेक्टेड होते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे एक हेवी डैम्पर का इस्तेमाल होता है। क्यों हेवी डैम्पर का इस्तेमाल होता है? वाई बिकॉज अभी ट्रेन एक्सेलरेट या डिसेलरेट करेगा उस केस में पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा झटका लगता है, लेकिन अगर ये हेवी डैम्पर अच्छा लगा हुआ है तो झटका नहीं लगता। इसलिए इफ़ यू गो फॉर अच्छे वाले ट्रेन्स, सॉरी जो महंगे ट्रेन्स है उसमें ट्रैवल करोगे देन वो झटका थोड़ा कम लगता है, लेकिन पैसेंजर ट्रेन्स में थोड़ा झटका ज़्यादा लगता है। तो बस ये अंतर है। तो हेवी डैम्पिंग जितना अच्छा होगा उतना ही झटका कम लगेगा। तो दिस इज योर हेवी डैम्पिंग। अब हमें ये सीखना है कि ये कैसा फॉर्म लेता है। तो मान लेते हैं ये जो टर्म है ना, ये बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का पावर हाफ, इसको मान लिया हम लोगों ने बीटा, एंड दिस बीटा इज ग्रेटर देन जीरो अभी इस केस में। देन अगर इस सॉल्यूशन को अगर फैला के लिखे हम लोग दिस एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इट विल लुक लाइक ए वन ई टू द पावर माइनस बी प्लस ये टर्म लिखाता था, इसको जगह हम बीटा रख दिए, और इंटू टी प्लस ए टू ई टू द पावर माइनस बी माइनस बीटा और इंटू टी। इसमें से अगर कॉमन लोगे तो ई टू द पावर माइनस बीटा टी यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा, देन अगर इसको कॉमन लिया जाए देन ये कैसा हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस बीटा सॉरी बी टी कॉमन लेने के बाद ए वन ई टू द पावर बीटा टी प्लस ए टू ई टू द पावर माइनस बीटा टी, इस तरीके का फॉर्म ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक फॉर्म में आ गया आपका ये जो है आपका हेवी डैम्पिंग इस फॉर्म में आ गया। बोलोगे इसे हेवी डैम्पिंग कैसे, ये तो अभी बीटा मतलब ये भी तो कुछ है नहीं। ठीक है, आपने बस इसको एक इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब इसका हेवी डैम्पिंग का एक अलग फॉर्म लाने के लिए आप यहाँ से भी कुछ कुछ कॉमन लेके निकाल सकते हो, लेकिन उससे बेटर है कि आप इनिशियल कंडीशंस को देखो। तो व्हाट आवर इनिशियल कंडीशंस, तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि आवर इनिशियल कंडीशंस ये सिर्फ हमारा मेरा लिया हुआ इनिशियल कंडीशन है, आप दूसरे इनिशियल कंडीशन पर भी इसको एनालाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, रिजल्ट्स सेम आएंगे। मेरा इनिशियल कंडीशन क्या है कि एट टाइम टी इक्वल टू जीरो योर एक्स का वैल्यू इज जीरो बट एक्स डॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इट इज इक्वल टू वी नॉट। इसका मतलब कि हमने जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था तो हमने उसको एक इम्पल्स दिया, वी हैव गिवन ए किक। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वाज पोजीशन वाज जीरो इक्विलिब्रियम पोजीशन, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं, उसको हम लोग किक से स्टार्ट कर रहे हैं। जब हमने क्लॉक स्टार्ट किया तेने उसको किक मारा साथ ही साथ, देन हम लोग को x डॉट निकालना है। तो यहाँ से x डॉट निकालिए, देन x डॉट इट मीन्स dx बाई dt ये हमें निकालना है। तो दो फंक्शन का ये मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, पहले इसका डिफरेंशिएशन इसको छोड़ना है, फिर इसको छोड़ना है इसका डिफरेंशिएशन, इसको करेंगे देन इट इज e टू द पावर माइनस बीटा bt एंड अंदर आ जाएगा a1 e टू द पावर बीटा t, ये वैसे का वैसा कॉपी हो जाएगा a2 e टू द पावर माइनस बीटा t प्लस, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए अब अंदर वाले को कीजिए, देन यू विल हैव बीटा ए वन बीटा ई टू द पावर बीटा टी एंड ये माइनस के साथ ये माइनस ए टू बीटा ई टू द पावर माइनस बीटा टी।
ठीक है. सो दिस इज योर एक्स डॉट. अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, दिस एक्स डॉट बट इट इज बट दिस एक्स डॉट इज नॉट अ टाइम टी इक्वल टू जीरो. आपको टाइम टी इक्वल टू जीरो का बात ही निकालनी है. इट मीन्स एट टी इक्वल टू जीरो फ्रॉम आवर इनिशियल कंडीशंस, फ्रॉम आवर इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल कंडीशन के हिसाब से क्या होगा. तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर वन एंड इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर टू. तो फ्रॉम वन आपको क्या मिला, तो यहाँ पे रखिए सॉरी नॉट दिस वन, वन इसको मानिए वन. तो यहाँ पे अगर टी का वैल्यू जीरो हो गई, दिस गोज वन, ये भी वन, ये भी वन, बचा ए वन ए टू और ये तो जीरो हो ही जाएगा क्योंकि इक्वेशन पोजिशन पे जीरो होता है. देन यू हैव ए वन प्लस ए टू इज इक्वल टू जीरो. टू से क्या मिलेगा हम लोगों को, वही सब काम अब टू में करना है. ये वन सब ई वाले टर्म्स वन हो गए, बचा क्या आपके पास माइनस बी, अंदर बचा ए वन और ए टू, और यहाँ पर ये वन हो गया, अंदर ए वन माइनस ए टू और बीटा कॉमन ले लो. तो प्लस बीटा ए वन माइनस ए टू है, ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. नो दिस इज नॉट जीरो, दिस इज वी नॉट, हो जाएगा वी नॉट. दिस ए वन ए टू जीरो हो यहाँ से, ये खत्म. बीटा को उधर भेज दो, वी नॉट बाई बीटा, इसको जोड़ दो. तो ए वन ए टू कैंसिल, ए वन प्लस ए वन टू ए वन. तो यू विल हैव टू ए वन इज इक्वल टू वी नॉट बाई बीटा. तो देयरफॉर ए वन इज इक्वल टू वी नॉट बाई टू बीटा, यही माइनस ए टू के भी बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से आपको ए वन ए टू का वैल्यू मिल गया कि ए वन इज इक्वल टू माइनस ए टू इज इक्वल टू वी नॉट बाई टू बीटा. अब हमें क्या करना है, अब ये जो वैल्यू है ए वन ए टू का, हम लोग इस क्योंकि हमको इसको एनालाइज करना है ना, इनिशियल कंडीशन के बाद ए वन ए टू का वैल्यू चाहिए था, इसको हम यहाँ रख देंगे. यह रखने के बाद देखते हैं रिजल्ट्स क्या आते हैं. तो इसको यहाँ रख के देखा जाए, देन वी विल हैव एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इज इक्वल टू टू पावर माइनस बी टी. दोनों जगह सेम रख रहे हैं हम लोग, तो क्यों ना इसको कॉमन ले लिया जाए. तो वी विल हैव वी नॉट बाई टू बीटा ई टू द पावर माइनस बी टी, ये हो जाएगा ए वन हटाए गए ई टू द पावर बीटा टी, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि वो ए टू का माइनस आ जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा टी. आपको ये कुछ फॉर्म देख कर कुछ याद आ रहा हो, देन आपको याद आ रहा हो कि ई टू द पावर एक्स, ठीक है, सही जा रहे हैं हम लोग, हाँ सही जा रहा है. अगर कुछ याद आ रहा हो आपको कि हाँ ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू होता है, देन वी विल राइट इट एज साइन एच एक्स, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. देन ये क्या हो जाएगा आपका, अगर टू को यहाँ भेज दे तो, अगर टू को हम यहाँ भेज दे, देन इट विल लुक लाइक एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू वी नॉट बाई बीटा ई टू द पावर माइनस बी टी एंड इट विल लाइक साइन एच बीटा टी. तो ये आपका हो गया फाइनल, जो हेवी डैम्पिंग होगी और जो ऐसे इनिशियल कंडीशंस होंगे उस केस में आपका सॉल्यूशन, आपका नॉट सॉल्यूशन, हाँ आपका सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का इस तरीके का दिखेगा. इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, जो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल और एक हाइपरबोलिक साइन फंक्शन. अगर ग्राफ को हम लोग देखें, अगर ध्यान से एनालाइज करें ऐसे ग्राफ को, अगर देखते हैं हम लोग, देन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देख रहे हैं हम लोग, किसको देखेंगे, एक्स को देखेंगे, देन वी विल हैव दिस ई टू द पावर माइनस बी टी विल बी डिक्रीजिंग एंड योर साइन एच हाइपरबोलिक विल बी इंक्रीजिंग. तो इट विल गो लाइक दिस, दिस इज योर साइन एच बीटा टी एंड दिस इज योर ई टू द पावर माइनस बी टी. फिर दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करना है विथ अ फैक्टर ऑफ दिस वी नॉट बाई बीटा, देखो उसको कंबाइन करेंगे, देखो काफ़ी ओरिजिन के काफ़ी पास से ही घट रहा है लेकिन यहाँ से इंक्रीज भी किया, मतलब काफ़ी इंक्रीज करेगा, एक ही बार में शूट करेगा लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा ओरिजिन से, फिर तुरंत डिक्रीज करेगा. तो अगर इससे ग्राफ को अगर एनालाइज किया जाए, देन इट इस इट्स ग्राफ विल लुक लाइक, सबसे पहले वो क्या किया, सबसे पहले वो ओवर शूट किया यहाँ से, इट विल गो लाइक दिस, यहाँ से ये शूट किया है काफ़ी ज़्यादा और फिर यहाँ पे टॉप लेवल पे जाते हैं, यहाँ से क्या किया, डिक्रीज किया. ठीक है, तो दिस इज योर एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस को क्रॉस भी नहीं कर रहा है. इट मीन्स फॉर ऑसिलेशन वी नो किसी भी ऑसिलेशन के लिए वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करना चाहिए, सॉरी फॉर ऑसिलेशन इट शुड क्रॉस योर एक्स एक्सिस. जैसे हम लोग इसमें देखते हैं ये जो ग्राफ होता है हमारा, इस ग्राफ में देखिए ये चीज़ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है बार बार. ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट में जाना चाहिए, अभी नेगेटिव पार्ट में जा ही नहीं रहा है. नेगेटिव पार्ट में अगर नहीं जा रहा है इसका मतलब है
कि इट इज नॉट क्रॉसिंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इक्विलिब्रियम पोजीशन क्रॉस नहीं करा, इट मींस इट इज नॉट परफॉर्मिंग ऑसिलेशन। ठीक है, तो इसी से आपको पता चलता है कि जो हेवी डैम्पिंग वाला जो केस होगा इसमें, ये चीज़ यहाँ से अगर छोड़ भी दें इसको, देन ये आगे नहीं जाएगा, यहीं पे आके रुक जाएगा। इतनी ज़्यादा डैम्पिंग इतनी ज़्यादा है कि वो यहीं आके रुक जा रहा है। यहाँ अगर इसको मारेंगे भी तो यहाँ आगे तक गया, लेकिन यहाँ से आने के बाद ये रुक गया। ठीक है, ऐसे मैं तो यहाँ पे ज़्यादा एंगल लेकर एनालाइज कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना है आपको कि जो डैम्पिंग का सिचुएशन जो हम लोगों ने ये सब इक्वेशन लाया है, दीज ऑल इक्वेशंस इंक्लूड स्मॉल ऑसिलेशन अप्रॉक्सीमेशन एंड स्मॉल वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेशन, तभी काम बनता है। सो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को पास नहीं कर रहा, इसको मैं एक थ्योरेटिकली एक न्यूमेरिकल से भी समझा देता हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में भी कुछ देर बाद मैं भी न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रिटिकल डैम्पिंग और वीक डैम्पिंग को सीख लेंगे। इसमें एक और बात मैं बताना छोड़ दिया कि जो ये जो मोशन है ये पास नहीं कर रहा है नेगेटिव पार्ट को, इट मीन्स इट इज़ नॉन ऑसिलेटरी। व्हाट इज दिस? इट इज़ नॉन ऑसिलेटरी, और नॉन ऑसिलेटरी को हम लोग बोलते हैं डेड बीट। क्या बोलते हैं? डेड बीट। ठीक है, ये छूट गया था, मैंने देखा बुक में, देखा कि मैं बताना ही भूल गया ये चीज़। इट इज़ नॉन ऑसिलेटरी को हम लोग बोलते हैं डेड बीट। ठीक है, अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि एक आपको मानना है एज्यूम एन अनफोर्स्ड, मतलब फोर्सिंग नहीं है, ओवर डैम्ड हेवीली डैम्ड स्प्रिंग मास डैशपॉट, स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्टार्टेड एट एक्स डॉट एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो इज जीरो, इट मींस वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो इज जीरो, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, सो दैट इट नेवर क्रॉसेस इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्स इक्वल टू जीरो फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, फॉर टी ग्रेटर देन जीरो इट डू नॉट क्रॉसेस इक्विलिब्रियम पोजीशन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेक्स्ट पार्ट इट इज सेइंग सो दैट रिगार्डलेस ऑफ द इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन कुछ भी हो, जैसे इसमें आप लोगों ने कहा दिया था कि इनिशियल कंडीशन दैट इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, वी आर वहाँ पे हम लोग कुछ डिस्प्लेस करके छोड़ रहे हैं। इसमें बोल रहा है कुछ भी इनिशियल कंडीशन आप डाल दो, एन ओवर डैम्प ऑसिलेटर कैन क्रॉस इक्विलिब्रियम एट मोस्ट वंस, ज़्यादा से तो एक ही बार क्रॉस करेगा, मतलब वो बस पहुँचेगा ना कि क्रॉस करेगा, इसलिए लिखा हुआ इट विल नॉट क्रॉस, क्रॉस नहीं करने वाला, जस्ट वो पहुँचता है वहाँ पे, जस्ट रीच करेगा वहाँ पे। देन वी नो हियर, हमें मालूम है ओवर डैम्प सिस्टम से, नहीं मालूम ओवर डैम्प सिस्टम का इक्वेशन जो हम लोग जो लाए हैं वो आपको एग्जाम में याद नहीं आता है, देन वाट विल यू डू? यू विल जस्ट, यू हैव द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डबल डॉट प्लस टू बी एक्स डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका आपके पास सॉल्यूशन था एक्स एट टाइम टी इज इक्वल टू ए वन ई टू द पावर अल्फा वन टी प्लस ए टू ई टू द पावर अल्फा टू टी, एंड दिस अल्फा वन एंड अल्फा टू, दिस अल्फा टू दिस अल्फा वन, दिस बोथ आर लेस देन जीरो, एंड इट इज गिवन दैट अल्फा वन बाई अल्फा टू इज लेस देन वन, नॉट लेस देन जीरो, इट इज लेस देन वन। ये आपके पास ये प्रोवाइडेड है, तभी आप कह सकते हैं कि दिस इज एन ओवर डैम्प्ड। ओवर डैम्प्ड के लिए हम लोग को मालूम है कि ऐसा होना चाहिए। देन आप इसको थोड़ा एज्यूम करो, मान लेते हैं, पहली बात देखते हैं एट आवर इनिशियल कंडीशन ए, वी आर सॉल्विंग ए एट आवर इनिशियल कंडीशन के हिसाब से, एट एक्स डॉट एट जीरो इक्वल टू व्हाट विल बी द एक्स डॉट, इट विल बी ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, एंड आवर इनिशियल कंडीशन सेज दैट दिस ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू इज जीरो, सो हियर इट विल बी माइनस ए टू बाई ए वन इज इक्वल टू अल्फा वन बाई अल्फा टू एंड दिस इज लेस देन वन। ओके, नाउ सपोज दैट इट क्रॉसेस द इक्विलिब्रियम पोजीशन एट टाइम टी प्राइम, मानते हैं टाइम टी प्राइम पे इक्विलिब्रियम पोजीशन क्रॉस कर लेता है, इट मींस एट एक्स टी प्राइम इट क्रॉसेस इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इसके हिसाब से अगर इसको लिखेंगे देन इट विल बी ए वन ई टू द पावर अल्फा वन टी प्राइम प्लस ए टू ई टू द पावर अल्फा टू टी प्राइम, and when it crosses the equilibrium position it becomes equal to zero, because at equilibrium position this is zero, then it will be minus a2 by a1 is equal to e to the power, isko idhar laya hum logon ne, फिर इसको इधर लाया
ई टू द पावर अल्फा वन माइनस अल्फा टू इंटू टी प्राइम. एंड सपोज यहाँ से हम टी प्राइम निकालते हैं, देन आवर टी प्राइम विल बी लॉग टू द बेस ई दैट इज एल एन माइनस ए टू बाई ए वन एंड बाई अल्फा वन माइनस अल्फा टू, दिस इज आवर टी प्राइम. यहां से आपको मालूम चल रहा है टी प्राइम कंसिस्ट्स ऑफ ओनली कॉन्स्टेंट्स, ए टू इज कॉन्स्टेंट, ए वन इज कॉन्स्टेंट, अल्फा वन दैट यू आर गोना कैलकुलेट इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि अल्फा वन में कहीं भी टी नहीं था. सो दिस इज अ कॉन्स्टेंट, दिस इज अ सिंगल नंबर, ओनली वन नंबर. इट मीन्स टी प्राइम हैज ओनली सिंगल वैल्यू, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में मात्र एक ही बार आ सकता है. इट मीन्स वी हैव आंसर्ड द सेकंड क्वेश्चन रिगार्डलेस ऑफ द इनिशियल कंडीशन. ये इनिशियल कंडीशन था, इसको हम लोगों ने इस्तेमाल किया नहीं है फिलहाल के लिए अभी तक. रिगार्डलेस ऑफ द इनिशियल कंडीशन टी प्राइम माना कि हम लोगों ने क्रॉस किया है, इट बिकम्स इक्वल टू जीरो. तो रिगार्डलेस ऑफ इनिशियल कंडीशन दिस टी प्राइम हैज हैविंग ओनली वन वैल्यू, सो इट इज वेल क्लियर. Now the second part say, the first part says it should not cross equilibrium at for x greater than t equal to 0. So yahan se isko analyze kijiye, this minus a2 by a1 is less than 1. So agar ye less than 1 yahan pe aayega to ln of less than 1 is negative. This when this log is negative, this t prime will be negative and time is negative is never possible. So for our initial condition, for our initial condition to cross equilibrium, t prime should be less than 0. This we can say, thus x can never be equal to 0 for t greater than 0. ठीक है, इस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन यहाँ आंसर कर दिया कि इट नेवर क्रॉसेस इक्विलिब्रियम पोजिशन, और रिगार्डलेस ऑफ द इनिशियल कंडीशन वो एक ही बार बस क्रॉस करेगा, वो टाइम निकल गया, मतलब वो बस वो पहुंचेगा वहां पर, क्रॉस भी नहीं करने वाला. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो ऑफ द हेवी डैम्पिंग एग्जाम्पल. से हम लोगों ने समझ लिया कि ये पास नहीं करेगा ग्राफ में, तो हम लोगों ने इसको देख ही लिया था, ये जो ग्राफ था कुछ इस टाइप का था. इट रिप्रेजेंट्स द हाइपरबोलिक फंक्शन एंड दिस रिप्रेजेंट्स द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अब जो हमारा इक्वेशन था वो था एक्स एट टाइम टी इज इक्वल टू वी नॉट बाई बीटा ई टू द पावर माइनस बी टी साइन एच बीटा टी. इसके साथ हम लोगों ने ये ग्राफ प्लॉट किया था ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ भी दिख रहा था कि वो क्रॉस नहीं कर रहा है, सॉरी यहाँ भी दिख रहा था कि वो क्रॉस नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस नहीं करेगा. यहाँ भी हम लोग इसको मैथमेटिकली थ्योरेटिकली या फिर थ्रू कैलकुलेशन हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया. सो दिस ओनली फॉर दिस वीडियो विच कंसिस्ट ऑफ हेवी डैम्पिंग. नेक्स्ट वीडियो में मैं क्रिटिकल डैम्पिंग एंड देन वीक डैम्पिंग को डिस्कस करूंगा. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल टू रिसीव द अपकमिंग नोटिफिकेशन, ताकि वो आपको पता चल जाए वो वीडियो कब अपलोड हो रही है. इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट्स रिगार्डलेस ऑफ दिस ऑसिलेशन एंड वेव हो गया, चाहे कुछ भी हो गया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, यू शुड और मैथ्स में, देन यू शुड गिव ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. वी विल श्योरली गोना सॉल्व इट. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. लेट्स मीट इन नेक्स्ट. थैंक यू.